चलिए आज की क्लास बिगिन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत समझा था वैल्यू के बारे में, हमने थोड़ा बहुत समझा था कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट क्या होता है, दो चार चीजें सीखी थी। हमने ये भी समझा था कि यार थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट गलत वर्ड है, क्वार्टर फाइव फोर से समझा था मैंने आपको, समझाया था कि देखो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू देखी जाती है कस्टमर की आईज में, है ना। ये आपको समझाया था कि वैल्यू इज सीन इन द आईज ऑफ कस्टमर, और वैल्यू के बेस पे, वैल्यू से थोड़ा कम हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। मान के चलो ये सैंडल मैं रेगिस्तान में बेच रहा हूं, अनुष्का जा रही थी भूखी प्यासी वहां पे फंस गई थी किसी वजह से, मुझे सैंडल देखिए आप रेत तप रही है, ये मुझे उस सैंडल के कितने रुपए देने को रेडी हो जाएगी, शायद 1000 मील, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 1000 मील। मेरा सेलिंग प्राइस क्या 100 रुपये होगा इस सैंडल का जो एमआरपी है, तो वे क्या होगा शायद 900। भाई जितने रुपये देने को रेडी है वो कहलाती है वैल्यू, याद आया। और सेलिंग प्राइस हमेशा किससे, उससे कम होता है, मैंने बताया था वैल्यू से हम सेलिंग प्राइस थोड़ा सा कम रखते हैं। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को आप क्या कहते हैं, तो है प्रॉफिट। उसको आपको मैक्सिमाइज करना है, साथ में आप चाहते हैं कस्टमर की वैल्यू भी मैक्सिमाइज हो, कई चीजें समझी तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, नहीं तो पूरी क्लास रिवाइज करनी पड़ जाएगी लास्ट क्लास से। नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये चाहते हैं आपका प्रॉफिट जो है वो मार्केट प्लेयर्स में बाकी उससे प्रॉफिट ज्यादा हो, या फिर आप चाहते हो किसी से भी आप ज्यादा अर्न करो, मार्केट प्लेयर छोड़ दो। तो उसको करने के लिए आपके पास दो स्ट्रेटेजी है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, नॉर्मल से जो एक नॉर्मल सिचुएशन में प्रॉफिट होता है से 5%, आप अर्न करना चाहते हैं 10%। तो उस सिचुएशन में आप कह रहे हो अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, तो दो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, दो तरीके से माइकल पॉर्टर ने सिखाया था। पहला जेनरिक स्ट्रेटजी, चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे जेनरिक स्ट्रेटजीज, जो हम कहां पढ़ेंगे, चैप्टर 3 ऑफ स्टडी मटेरियल। कौन कौन सी थी दो जेनरिक स्ट्रेटजी थी, एक डिफरेंशिएशन एडवांटेज या बेनिफिट लीडरशिप, और दूसरा कॉस्ट लीडरशिप। हमारा जो प्रोडक्ट है अगर हम सस्ते में बनाए तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। मैं भी फोन बना रहा हूं, ये भी फोन बना रही है, मैंने फोन सस्ते में बना दिया, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, है ना। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं, और नेचुरल सी बात है जब मैं सस्ते में बना रहा हूं तो थोड़ा सा हो सकता है सेलिंग प्राइस कम करूं ताकि सारे कस्टमर मेरे पास आ जाए दूसरे कॉम्पिटिटर से। सेम प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ इंप्रूव प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट सस्ते में बना दिए, क्लियर हुआ क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, मैंने अपने प्रोडक्ट के अंदर सेम सेलिंग प्राइस चार्ज किया लेकिन उसके अंदर फीचर ज्यादा दे दिए। आपने का फीचर ज्यादा, जी हाँ, कोई भी है, एसी खरीदा आपने, एसी के अंदर ही हीटर आ जाए सेम प्राइस पे, तो कल को आप अपने सारे रिश्तेदारों से क्या कहोगे, एक्स कंपनी का ही एसी खरीदना कहोगे कि नहीं कहोगे, क्यों, क्योंकि प्राइस सेम है लेकिन फीचर आपने क्या कर दिए, ज्यादा दे दिए, डिफरेंशिएशन एडवांटेज दे दिया कि नहीं दे दी। बात समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, व्हाट इज डिफरेंशिएशन या बेनिफिट पोजीशन, मतलब आप ये कह रहे हो कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट दे दो उसी सेलिंग प्राइस पे, या थोड़ा सा बहुत मिनिमम आपने थोड़ा सेलिंग प्राइस बढ़ा भी दिया तो क्या जा रहा है। तो आपको माइकल पॉटर ने बताया था दो तरीके हैं, या तो आप बेनिफिट पोजीशन उठा लो या फिर आप कॉस्ट पोजीशन, ये तो था पहला तरीका इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करने का। दूसरा तरीका उन्होंने बताया था आपको मार्केट की फोर्सेस को एनालाइज करना पड़ेगा अगर आपको एक्स अर्न करना है। अब मार्केट की फोर्सेस को एनालाइज करना पड़ेगा, इस लाइन को समझते हैं। हमने एक बात और सीखी थी, माइकल ई पॉटर साहब ने बताया था पांच फोर्सेस हैं, कितनी फोर्सेस हैं, पांच, जो क्या करती हैं, जिनका काम है ये बताना कि किस इंडस्ट्री में मैं कितना अर्न करूंगा अगर करूंगा तो, और अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हूं तो एनालाइज करना सीखना कि उस इंडस्ट्री में नॉर्मल से मैं ज्यादा कैसे अर्न करूं। बात समझ आई या नहीं आई, एक तो है नॉर्मल अर्निंग,
एक है एक्स्ट्रा अर्निंग, तो हम एक्स्ट्रा कैसे अर्न करें? तो माइकल पोर्टर साहब की ही मैं आपको एक बुक का पोर्शन दिखाता हूं, कुछ बुक नहीं एक पेपर लिखा था उन्होंने, बुक अलग है, बुक का तो मैंने आपको फोटो दिखा रखा है। आपको क्या करना है ये देखिए, मैंने आपको जैसे मैंने एक लिंक दिया है, देखो मैं आपको खोल के दिखाता हूं लिंक। www.tinyurl.com/smcainter ठीक है, अगर आप इसको डालेंगे तो आप नोटिस करेंगे, क्या आप नोटिस करेंगे, वन ड्राइव खुल जाएगी और इसके अंदर ये जो वैल्यू करके ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है मैं प्रॉपर बना दूंगा, और ये जो पोर्टर 5 फोर्सेस हैं, पोर्टर साहब ने आपको क्या बताया था एक पेपर 5 फोर्सेस के बारे में उसके ऊपर, तो जल्दी से ये लिंक अपनी कॉपी पे कॉपी कर लीजिए ताकि आप घर पे कभी भी खोल सके। मैंने ऐसे ही आपको कॉस्टिंग का भी एक लिंक दिया था, सेकंड थर्ड क्लास में या फर्स्ट क्लास में एडमिन, ये भी एक लिंक है, आई होप विजिबल है, पढ़ पा रहे हो। जल्दी नोट करिए, लिख लिया, लिख लिया सबने? आप जब इसको खोलेंगे तो क्या खुल जाएगा, ये वन ड्राइव खुल जाएगी, जैसे गूगल ड्राइव होती है वैसे वन ड्राइव होती है, उसके ऊपर पोर्टर 5 फोर्सेस जो है जब आप खोलेंगे तो आपको पता है क्या दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपको दिख जाएगा हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का, सॉरी। आप ये कहेंगे कि सर ये जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के ऊपर पेपर इन्होंने पब्लिश किया था कई साल पहले, अच्छा एक चीज मैं बोलूंगा, शायद लास्ट क्लास में मैंने एक चीज गलत बोल दी थी एंड आई अपोलोजाइज फॉर द सेम, मैंने शायद बोल दिया था माइकल पॉटर साहब अब नहीं, शायद, और मेरे से गलती क्यों हुई थी, क्योंकि माइकल पॉटर नाम का एक रेसलर था वो शायद नहीं रहा था, तो मुझसे मैंने घर जाके फिर क्रॉस वेरीफाई किया, आई थिंक ही स्टिल अलाइव जितना मुझे अभी पता है, पता नहीं भगवान उनकी उम्र बढ़ाए, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो कब तक हैं, एजेड हो चुके हैं दैट आई कैन से। जैसे आपको मालूम है महाभारत में अश्वत्थामा मारा गया, सुना है नहीं सुना, पता है नहीं पता, तुम लोग नालायक हो, कुछ नहीं पता रखते, माइथोलॉजी थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। अश्वत्थामा नाम का पर्सन था, इमॉर्टल मतलब जिसे मारा नहीं जा सकता, तो द्रोण का बेटा था, द्रोण बहुत अच्छे से फाइट कर रहे थे अगेंस्ट पांडवास, तो उन्होंने कहा अगर इनको नहीं डिमोटिवेट किया ये तो पूरा पूरा का पूरा उड़ा देंगे सबको, क्योंकि हम इन्हीं से सीखे हैं सब कुछ, तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी लगाई, वो उनका बेटा था अश्वत्थामा, उन्होंने एक हाथी का नाम रखा अश्वत्थामा, पहले नामकरण संस्कार किया, फिर भीम ने उसको मार दिया और फिर शोर मचा दिया, रणभूमि में जाके अश्वत्थामा मारा गया, सबने कहा कि जब दुर्योधन कहते हैं, दुर्योधन कह रहा हूं सबसे बड़ा कौन था, पांडव, युधिष्ठिर कह देंगे तो मार लूंगा, तो उन्होंने जैसे ही बोला अश्वत्थामा मारा गया, संस्कृत में बोला मनुष्य गज चा, तो गज चा के टाइम पर उन्होंने ढोल नगाड़े बजा दिए ताकि सुनाई ना था गुड़ दौड़, और वो डीमोटिवेट हो गए,
बिल्कुल वैसे ही मेरे से एक गलती हो गई, ठीक है, यहाँ पे वो जिंदा है मेरे ख्याल से, और आई एम सॉरी। एनी हाउ टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, वापस आते हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे से बुक लिखी, जो बुक लिखी थी उस बुक के अंदर से मैंने ये आपका शायद 1988 की बुक थी, मैंने दिखाया भी था उस समय बुक, ये मैंने चार्ट जो है वहाँ से लिया है। और ये इनका जो पेपर इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में रिलीज किया था 98 में, शायद किया था 97 या 98 में, ये वो है 2008 का है, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि सर ये क्यों डाला आपने, और ये आपने उस वन ड्राइव पे क्यों डाल के दिया हुआ है। हमारी ICA की स्टडी मटेरियल ना बड़ा लिमिटेड तरीके से कवर करती है किसी भी चीज़ को, तो कई बार क्या होता है आपका मन करता है डिटेल में पढ़ने का, रीजन को समझने का, और स्टडी मटेरियल को ही बेस लेना है SM के अंदर, ये नहीं कि आप किसी भी और बुक को बेस लें। इवन माइकल पॉटर की बात नहीं सुनेंगे अगर स्टडी मटेरियल कुछ और कहती होगी। तो मेरा ये कहना है कि आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल आपको करना है कि माइकल पॉटर साहब ने आपको ये बुक दे रखी है, बुक ने ये पेपर रिलीज किया था, तो आप इस पेपर को पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इस पेपर के बेस पे मैं कुछ नोट्स आपको लिख पाया करूं, समझे या नहीं समझे, इसी पेपर के बेस पे मैं क्या करा करूंगा, कुछ नोट्स आपको लिखवाया करूंगा। अपनी तरफ से क्यों नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि जब या वो इतने समझदार आदमी बोल रहे हैं तो मैं क्यों कुछ टिप्पणी करूं, नहीं? और पढ़ना तो उन्हीं की बात को है, हमें पेपर उन्हीं की बात से निकालना है। चलो जी, तो आपने कहा कि सर माइकल पॉटर ने कहा कि पांच फोर्सेस है, कितनी फोर्स है, पांच फोर्सेस है जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बताते हैं। अब जरा सा इसके ऊपर आ जाते हैं, आज आपने चैप्टर टू में फाइव फोर्सेस पढ़नी है, कौन सी फाइव फोर्सेस, स्टडी मटेरियल चैप्टर टू। जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती वो हिंदी में कन्वर्ट करे गूगल ट्रांसलेट पे, मैंने सिखाया था गूगल ट्रांसलेट पे कन्वर्ट करना, आप गूगल ट्रांसलेट पे कन्वर्ट करिए और उसके बाद पढ़िए। उन्होंने क्या समझाया इन फाइव फोर्सेस के बारे में, उसको समझने से पहले एक चीज समझिए, इन्होंने एक 92 से 2006 के बीच का एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का चार्ट दिया। वो कहते हैं देखो अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी रखते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में क्या है अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी है। सबसे ज्यादा कमाई वाला सेक्टर कौन सा है, सिक्योरिटी ग्रुप का, और सबसे कम कमाई किसमें है, एयरलाइंस। ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री भी, पहले ही बता दो। अच्छा उन्होंने कहा अच्छा एक बात सोचो, सॉफ्ट ड्रिंक भी खूब कमाती है, फार्मास्यूटिकल भी खूब कमाती है, परफ्यूम वगैरह के लिए भी लोग बहुत पैसे खर्चते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये कह रहे हैं कि यार हमें या तो इन इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, कहाँ काम करना चाहिए, इस इंडस्ट्री में वर्क करना चाहिए जो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वाली है, ना कि उन इंडस्ट्रीज में जहां पे कम प्रॉफिट है। कम प्रॉफिट कहां का है, आप कहोगे होटल्स में बहुत कम प्रॉफिट होता है, देख रहे हैं आपको 10% प्रॉफिटेबिलिटी है। तो कहते हैं यार जब सेक्टर में कमाई नहीं है तो सेक्टर में अगर आप काम करोगे तो आपकी भी तो कमाई कम होगी। आज समझो इंडस्ट्री कैसे कमाती है, जब इंडस्ट्री में सब कमा रहे हैं तो आप भी कमा रहे हो, बात क्लियर हुई या नहीं हुई। तो आपको अपनी कमाई बढ़ानी है तो इंडस्ट्री की कमाई बढ़े, कहते ना बहती गंगा में हाथ धो लो। तो उन्होंने वही बात बोली कि यार ऐसी इंडस्ट्री पकड़ो जिसमें सबसे ज्यादा कमाई हो, जब आप ऐसी इंडस्ट्री पकड़ोगे तो आपकी कमाई भी अपने आप सबसे ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। चलो पहली चीज क्लियर है, तो उनका जब आप पढ़ोगे घर पे जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर मन करे थोड़ा सा तो आप ये सब पढ़ना, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। कैसे उन्होंने यही बातें समझाई थी, कैसे एक कंपनी अर्न कर सकती थी, एक फर्म अर्न कर सकती है, यहाँ पे फर्म बोलते हैं वो कंपनी को हर जगह, एक फर्म कैसे अर्न कर सकती। उन्होंने कहा लेट अस से अगर आपने बेस्ट इंडस्ट्री नहीं चूज की, लेट अस से बेस्ट इंडस्ट्री नहीं चूज की अभी तक, और आप कंफ्यूज बैठे हो कि कौन सी इंडस्ट्री चूज करें। क्या बोला, अभी तक आपने बेस्ट इंडस्ट्री चूज नहीं किया और आप कंफ्यूज बैठे हो कौन सी इंडस्ट्री चूज करें, तो आप कौन सी करोगे, वो वाली तो करोगे जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज है, लेकिन ऐसे ही नहीं हाँ बोल दोगे,
अब आप पांच फोर्सेस देखोगे कि ये कैसे कैसे इंपैक्ट आ रहा है इन फोर्सेस का इस इंडस्ट्री पे। एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो आपने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का काम करने से पहले आपने कहा कि यार क्योंकि ये बहुत बड़ा थ्रेट था इस इंडस्ट्री के लिए, इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट से साठ गांठ कर लिए पेप्सी कोक वालों ने। अब आप दांत रगड़ते रह जाओ, नाक रगड़ते रह जाओ, जो मर्जी रगड़ लो, आपको कोल्ड ड्रिंक सेल करने का आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा कंट्री। तो आप क्या कहोगे, सिर्फ ये देखने से कुछ नहीं होगा कि किस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, बात है या नहीं? जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे होगे तो क्या सिर्फ ये देखोगे कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कहां पे है? नहीं, आप ये कहोगे साथ में ये भी देखो कि इन पांच फोर्सेस का क्या क्या इंपैक्ट आ रहा है किस इंडस्ट्री पे, इन पांच फोर्सेस का क्या क्या इंपैक्ट आ रहा है इन इंडस्ट्रीज पे। समझ में आ रहा है या नहीं? जो बेस्ट फिट होगा इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए उसी में तो एंटर करोगे। दूसरी सिचुएशन उन्होंने बोली, आप पहले से इस किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, वो चीज हो सकती है या नहीं हो सकती? एक, आप पहले से वर्क नहीं कर रहे, एंटर करना इंडस्ट्री में, पहला यही हो सकता है। और दूसरा क्या है, आप पहले से उस इंडस्ट्री में वर्क, भाई इसके सिवाय कुछ हो सकता है क्या? दो ही चीजें है ना। तो आपने कहा अगर आप पहले से इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, पहला था कि आपको इंडस्ट्री में एंटर करना है, और दूसरा क्या है, आप पहले से इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। अगर आपका पहले से इसमें है काम, तो आप ये सोचोगे मैं कैसे दूसरों से ज्यादा अर्न करूं, आप ये सोचोगे कैसे मैं पूरी इंडस्ट्री पूरे मार्केट के ही पर प्रॉफिटेबिलिटी को ऊपर ले जाऊं। भाई मैं सिर्फ ये क्यों सोचूं सिर्फ मेरा प्रॉफिट बढ़े, मैं तो ये सोच रहा पूरी इंडस्ट्री अर्न करेगी तो ऑटोमेटिकली मैं भी ज्यादा अर्न करूंगा। तो उन्होंने कहा फिर से पाइप फोर्सेस काम में आएंगी। आपने कहा जैसे कैसे पाइप फोर्सेस काम में आएंगे, उन्होंने कहा देखो जैसे मान लो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए कम थी क्योंकि सप्लायर बहुत बदमाश थे, वो उन्होंने क्या कर रखा था, कार्टेल टाइप बना रखा था, सब मिलके बैठ गए थे, उन्होंने कहा हम ही सप्लाई करेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे इंटेल है, अभी तक तो बदमाशी करता था कि नहीं करता था, कंप्यूटर के चिप्स सारे कौन दे रहा था, इंटेल ही दे रहा था अभी तक, तो यही था ना, बाद में आए बाकी सारे, मदरबोर्ड खरीदने जाओ चार पांच ही कंपनी के नाम सुनाई देते थे अभी तक, अब बड़े हैं, आप कुछ साल पहले जाओ तो एक दो ही सुनाई देते थे, उसने जो पैसा मांगा मुझे पैसा देना पड़ेगा, अगर ऐसे चलेगा तो उसकी उसकी मोनोपोली टाइप हो गई। अब उसकी अगर मोनोपोली टाइप है तो इस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी रही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से फाइव फोर्सेस को समझ के फिर स्ट्रेटेजी डिवाइस करो कि कैसे कौन सी फोर्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और उसके ऊपर अटैक करो। जैसे यही मान लो सप्लायर की है, तो आप क्या करोगे, आप भी अपनी बायर सब मिलके इंडस्ट्री के एक कार्टेल टाइप बनाओ, यूनियन, बिजनेस यूनियन वगैरह होती है या नहीं, ट्रेड यूनियन वगैरह, वैसे टाइप बनाओ तुम, ताकि तुम भी कुछ फोर्स कर सको, मतलब अपना इंप्लीमेंट, नहीं तो क्या होगा, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। नींद आई आई आनी चाहिए थी यार, आई ना, हाँ, तो मतलब समझ रहा है, बाकी नहीं समझ रहा, ध्यान से सुनोगे तो नींद आई। चलो ए, कुछ मत लेना, समझ रहा मैं ऐसे उल्टा ताना मार रहा हूं। चल तो आपसे कहते हैं कि देखो भाई माइकल पॉटर क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से इसी बात को। एक बार मैंने इसी चीज पे क्वेश्चन लिखने को दे दिया कि आंसर लिख के दिखाओ किस चीज का, कि माइकल पॉटर की फाइव फोर्सेस पे प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह को रिलेटेड आंसर लिख के दिखाओ, तो सीधा फाइव फोर्सेस वाली बातें लिख के आ गई, ये पांच फोर्सेस का काम खत्म। नहीं, आपको प्रॉफिटेबिलिटी से चालू करनी है बात, आपको किससे चालू करनी है, प्रॉफिट, बात तो समझाओ ना, कहना क्या चाह रहे हो, क्यों कहना चाह रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन था प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड, बताओ
समझे क्या करना है ना। तो क्वेश्चन अब इसमें क्या है, देखो 30% एमसीक्यू तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे, सारी लड़ाई होगी बुरा मत मानना, सारी लड़ाई असम में लिखने की, सारी लड़ाई किसमें है लिखने की। तो हमारी बहुत जबरदस्त, जैसे ही मैं कोई टॉपिक कराऊंगा उसके बाद एक टेस्ट हुआ करेगा, मेजर टॉपिक खत्म होने के बाद टेस्ट होगा, ये नहीं कि पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है, अच्छा लगे तो भी ठीक है, बुरा लगे तो भी ठीक है। ऑनलाइन वालों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सॉल्यूशन शीट आंसर शीट अपनी सबमिट किया कर, ईमानदारी से टेस्ट देना और आंसर शीट सबमिट करना। चलो आंसर शीट सबमिट करने के लिए आप तो भी देखो, कभी पेपर यहाँ पे जैसे कोर्स खत्म हो जाए आप पेपर तैयारी करना चाह रहे हो तो दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, स्कैन करके मेरे को व्हाट्सअप कर दो या ईमेल कर दो मुझे। दूसरा तरीका, दूसरा मेरा ईमेल आईडी है parag@studybytech.com, वो मैं दे दूंगा। दूसरा तरीका, 5 रुपए की स्टैंप लगाओ, एक एनवलप में डालो और मेरे को आंसर शीट भेज दो, नॉट अ बैड आइडिया। 5 रुपए की तो स्टैंप लगती है, कोरियर पे पैसे मत लगाओ, 5 रुपए की स्टैंप लगाओ। समझे या नहीं समझे, बुक पोस्ट कहते हैं उसको, बुक पोस्ट तो खुला रहता है, 5 रुपए की ऐसे कुछ है, बस भेज दो। आपकी चॉइस है आप किस तरीके से भेजना चाहते हो, मैं भी ऐसे रिटर्न कर दूंगा आप लोगों को, इधर से आप भेज दो उधर से मैं भेज दूंगा, आपको फिजिकल आंसर शीट में नंबर दिख जाएंगे कितने। ठीक है, तो आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसमें हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। ये गलत फहमी मत रहना कि पेपर होगा टेस्ट लिख लूंगा मैं तुम्हारा जब कोर्स खत्म हो जाएगा, ना हम अभी से शुरू करेंगे, इसमें सारी कहानी लिखने की और कुछ है ही नहीं, ये सारी कहानी तो नहीं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी भाई। ठीक है, हमारा कोर्स बहुत छोटा है, इसका सारी लड़ाई है लिखने की, सब कुछ उसी में टकरा है। बहुत पुअर होगी आपकी राइटिंग, मैं बता रहा हूं अभी से बता रहा हूं, पहले ही मान लेना, इतनी गंदी लिखोगे लैंग्वेज कि तुम भी पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा बाद में, और यकीन नहीं आएगा तो मैं एक काम करूंगा आपस में एक्सचेंज कर दूंगा आंसर्स, पढ़ के समझ के दिखा देना दूसरे ने लिखा क्या। ठीक है, चलो अब आगे। तो माइकल पोर्टर साहब ने क्या बात बोली, दो बातें बोली। पहली बात क्या बोली उन्होंने, या तो उस इंडस्ट्री में एंटर करो जिस इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, तब तुम ज्यादा कमाओगे। यानी 5 फोर्सेस के ऊपर हूं मैं, जेनरिक स्ट्रेटेजीज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज वगैरह पे नहीं हूं अभी, इसमें हूं 5 फोर्सेस। पहली चीज क्या बोली, या तो आप उस इंडस्ट्री में जाइए जहां पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा, या फिर आपसे क्या बोला दूसरी बात, जिस इंडस्ट्री में आप एंटर कर रहे हैं, अब उसमें क्या हो सकता है, दो चीज हो सकती है, या तो आप इंडस्ट्री में एंटर करने वाले हैं या एंटर कर चुके हैं। अगर करने वाले हैं तो आप कहोगे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ ये भी देखो 5 फोर्सेस का क्या इंपैक्ट है उस इंडस्ट्री पे, कहीं ऐसा तो नहीं आज तुम एंटर कर रहे हो और दोस्त 1 महीने बाद पता चले वो इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी 2% है जब 40% से, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्यों हेल्थी है इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी 5 फोर्सेस की वजह से। आपने कहा ऐसा कैसे हो सकता है इतना एकदम कम हो जाए, अच्छा ऐसे सोचो, मान लो हमारे देश के सबसे रईस आदमी में से एक आदमी, चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं ले रहा, अंबानी अंबानी किसी का नाम नहीं ले रहा, उसने सोचा आप क्या करते थे, आप कुछ भी बना के बेचते थे, चेयर बना के बेच रहे थे आप नीलकमणि, उसने सोचा मैं भी चेयर बना के बेचूंगा। चेयर बनाने की किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, ऐसी कोई भी एंटर कर सकता है, आपको गलतफहमी आप देख पाओगे बुरा मत मानना, लेकिन आपको गलतफहमी है कि आप देख पाओगे इसका कंपटीशन, आप एक भी चेयर बेच लो, समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, नहीं समझ में आया। तो जियो जब एंटर हुआ कितने सारे टेलीकम्युनिकेशन वाले थे, वीडियोकॉन एयरसेल भगवान जाने कितने थे, वोडाफोन और आइडिया अलग अलग थे, MTNL भी था। जियो के बाद कितने मर गए, अस्तित्व नहीं बचा उनका, क्यों
भाई एंट्री जो थी ना वो बहुत इजी थी जियो के लिए, वैसे नहीं। और थ्रेट जो था वो बहुत बड़ा था कि कोई बड़ा आ गया तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो आप कहोगे कि सर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ने अपने आप को बचाने के लिए कोई तरीका नहीं सोच रखा था, वो सोच रहे थे बस हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग ही आपस में लड़ते रहेंगे। न्यू एंट्रेंट ने हिलाया सब कुछ। किसने हिलाया? पांच फोर्सेस में एक सबसे ऊपर वाली फोर्स दिख रही है ना, न्यू एंट्रेंट हिलाया किसने? न्यू एंट्रेंट नहीं तो हिलाया, उस थ्रेट को प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर रखा था, सीधी बात थी। तो अगर आप एक बार सोचो, कोई इंडस्ट्री है, अगर आपको दिख रहा है कुछ दिन बाद इसका लाइसेंस फ्री टू ऑल होने वाला है, आप उसमें देख रहे हो अभी तो 40% है, अरे अभी 40% मत देखो। गवर्नमेंट अगर उसको फ्री टू ऑल करने वाली है कि कोई भी घुस जाए, फिर तुम्हारी क्या औकात रह जाएगी, क्या प्रॉफिटेबिलिटी रह जाएगी? तो थ्रेट पूरा एनालाइज करो, पांचों फोर्सेस को इम्पैक्ट डालो, क्योंकि वही आपकी इंडस्ट्री वही लाएंगी और उससे ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लेगी। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, हम पहले से उस इंडस्ट्री में, अब क्या करोगे? मान के चलो जैसे ये और ये अभी तक कॉम्पिटिटर थे, वोडाफोन और आइडिया। अब इन्होंने सोचा कि कोई और एंटर ना कर जाए, वोडाफोन और आइडिया तो चलो एक अलग एग्जाम्पल हो गया। इन्होंने सोचा ऐसे ही कोई भी इंडस्ट्री है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है। अभी दोनों साथ में बैठे, वैसे तो शक्ल नहीं दिखते थे, आर्च एनिमीज थे, लेकिन उन्होंने कहा चलो साथ में बैठते, क्या पता कुछ प्लान बन जाए। जब ये साथ में बैठे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मर्जर की बात कर ली। या इन्होंने कहा कि चल मैं तेरे उसको तेरे तेरी फील्ड में नहीं लड़ाई करूंगा, तू मेरी फील्ड में मत लड़ाई कर, काम खत्म। दोनों मिलकर ज्यादा रेट चार्ज करते हैं। तो अगर इन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजी बना ली तो आपको नहीं लगता कि एकदम इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर हो जाएगी? मान के चलो यही दो बिग प्लेयर थे, छोटे वाले तो बहुत थे लेकिन बिग प्लेयर यही दो थे। इन्होंने जब बना ली तो अब इन्होंने जब ज्यादा चार्ज किया तो छोटे वालों ने भी ज्यादा चार्ज कर लिया। अल्टीमेटली हुआ क्या, इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। तो आप ये कहोगे, आप अगर किसी जगह एग्जिस्टिंग भी हो तो आपको ये सोचना है कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़े। ये बात समझाई थी माइकल फॉर्टर ने अपनी फाइव फोर्सेस। बेसिक समझ में आया सबको? आया? अब फाइव फोर्सेस समझनी पड़ेंगी कैसे कैसे है, चाहे हम उस इंडस्ट्री में हैं, चाहे एंटर करने वाले हैं, चाहे कुछ भी रीजन था। तो फाइव फोर्सेस समझनी पड़ेंगी। आते हैं, आपने कहा कि सर ये पांच फोर्सेस कैसी हैं? अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था वैल्यू के ऊपर। आज हम कुछ लिखेंगे नहीं, आज हम सिर्फ क्या है समझेंगे, और आज हम खूब अच्छी निद्रा में जाएंगे, समझते जाएंगे और सोते जाएंगे। समझते जाओ सोते जाओ। अब ध्यान से सुनो, पांच फोर्सेस उन्होंने कैसे बोली, ये एग्जैक्टली उन्हीं की बुक से है, पोर्टर की। देखो अगर आप पढ़ोगे 1998 की, माइकल ई पोर्टर की बुक से ये डायग्राम, ठीक है। आपने कहा पांच फोर्सेस है सर, पहला कोई सी भी ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन का थ्रेट। मैं हल्का सा लास्ट क्लास में इसको किया था डील, इसको हल्का सा ब्रश करता हूं, बस पूरा नहीं कर रहा। अच्छा सब्स्टिट्यूट होता क्या है? सब्स्टिट्यूट कॉम्पिटिटर नहीं होता, सब्स्टिट्यूट कॉम्पिटिटर नहीं होता। सब्स्टिट्यूट कायदे में सिमिलर प्रोडक्ट भी नहीं होता, सिमिलर गलत बात है, सेम प्रोडक्ट भी नहीं होता, वो होता है एक सिमिलर प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट नहीं होता। वो कौन सा होता है? सिमिलर प्रोडक्ट जो कि अभी यूज में नहीं आ रहा या इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल रहा। जैसे पहले अगर आपको मालूम हो, घर में पानी की पाइप भी डलती थी तो लोहे की डलती थी। घर के अंदर जो पाइप होती है ना, शायद आपने देखी हो, घर जब बनता है पानी की पाइप आती है, इंटरनल वायरिंग, इंटरनल पाइप्स, वो सारी किसकी थी? लोहे की। और उसके बाद यहां तक बिजली की पाइप भी लोहे की होती थी, आपको इतना भरोसा नहीं होगा। बिजली की भी जो होती है ना, आप एक काम करो 40 साल पुराने घर में जाकर देखो, उसके यहां जो वायर होगी ना बिजली की, वो लोहे के अंदर से जा रही होगी, लोहे की पाइप में। उसके बाद 30 साल पहले क्या हुआ, उसको चेंज करके उन्होंने कर दिया प्लास्टिक की पाइप। आज पानी की पाइप भी कौन सी है? प्लास्टिक की पाइप। अगर थोड़ी सी नॉलेज हो कंस्ट्रक्शन के बारे में, थोड़ा सा भी पता हो, तो पानी की पाइप भी आज कौन सी है?
प्लास्टिक आज लोहे की नहीं है पाइप, पता है नहीं पता है बात, एक छोटा सा एग्जांपल है। आप ये सोचोगे लोहे का सब्स्टिट्यूट क्या बन गया, प्लास्टिक, क्या वो सेम प्रोडक्ट था? नहीं, वो सिमिलर टाइप था। वो सेम था? नहीं था, वो सिमिलर था। सिमिलर से मेरा कहना है कि उसके अंदर ऐसे फीचर थे जो उसको रिप्लेस कर सकते थे मेन को, और वो चीप था। तो ऐसे सब्स्टिट्यूट को पहले पहचानो, क्योंकि अगर ऐसा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तुम्हारे को खा जाएगा वो। आप कहोगे तो सर क्या बात कर रहे हो। अच्छा एक बात सोचो, पहले सोचते थे तेल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, ऑयल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, सऊदी वाले पागल हुए पड़े थे, तेल मिल गया, तेल मिल गया, रईस हुए पड़े, बहुत रिच है, हमें बेच के खा दे इतने रिच है। सही बात है गलत बात है? लेकिन जब से ईवी मोटर व्हीकल, ईवी बताया ना तथा क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बताया नहीं पता, वो आए आपने का अपने आप सब्स्टिट्यूट। अब वो देखो पहले सब्स्टिट्यूट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो सब्स्टिट्यूट बनने लग गया, बैटरी बन आने लगी इन्वर्टर की, लोगों ने अभी भी नहीं उसको उसका थ्रेट रियलाइज किया। जब इलोन मस्क पूरी तरह पागल हुआ तो लोगों ने कहा भाई ये क्या आने वाला है, सारी बड़ी कंपनी समझ गई कि यार यहाँ तो बहुत बड़ा हुआ है। थ्रेट से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, खुद की कार्स भी निकाल दी, खुद के मोटर व्हीकल भी निकाल दिए, किस चीज के, ईवी, लिथियम बैटरी बेस, पता है या नहीं पता है बात, सच्ची पता है ना। आपने कहा अच्छा सर तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है, उसके अंदर एक फीचर होता है कि वो सस्ता होता है, उसके अंदर थ्रेट ये होता है वो कभी भी हमारे मेन प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता है। समझे या नहीं समझे? आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा एक है प्लेन, एक है ट्रेन, क्या ट्रेन सब्स्टिट्यूट बन सकती है? हाँ, ट्रेन के, प्लेन के अगर रेट ज्यादा हो, देखो यहां से मेरे को जाना था जयपुर, यहां से मुझे जाना था जयपुर, प्लेन के रेट थे ज्यादा, ट्रेन के रेट थे कम, प्लेन पहुंचाता है आधे से एक घंटे में, लेकिन उस पर पहले एक घंटा पहले पहुंचो, एक घंटा उसका दूर है ट्रेवल टाइम, क्योंकि वो एयरपोर्ट दूसरी साइड पड़ता है, फिर वहां उतर के निकलने में आधा एक घंटा लग जाता है प्लेन में। ट्रेन में देखा मैंने, अरे यहां से डबल लेकर जाती थी दिल्ली से शाम को, तीन चार घंटे के, चार पांच घंटे के अंदर जयपुर, ज्यादा से ज्यादा आधा से एक घंटा एक्स्ट्रा पड़ रहा था मुझे। मैंने कहा यार पैसे भी बच रहे हैं, आधे घंटे से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पैसे मेरे खूब बच रहे थे, तो बताओ सब्स्टिट्यूट बन गया कि नहीं बन गया? मेरा क्या जा रहा है ट्रेन में जाने में, कोई फर्क है क्या? अब तो यार ट्रेन में चले जाओ सर, ऐसी क्या इज्जत वाली बात है, क्योंकि सब तो आपने का सब्स्टिट्यूट का मीनिंग समझाया, बाकियों का मीनिंग समझाता हूं, फिर एक एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा अंदर, और मैं एक एक को पॉइंट करता जाऊंगा बीच बीच में है? इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि आपको नींद आ रही है, इसका मीनिंग ये होगा कि आप अच्छे से समझ रहे हो। अच्छा एंट्री बैरियर, एंट्री बैरियर क्या होता है, मतलब आपने कहा कि सर ये न्यू एंट्रेंट से रिलेटेड है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, ये क्या है बवाल? आप एक इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, अब केशव मान लो मैं माइनिंग का बिजनेस करता हूं, और मुझे मालूम है जो सरकार है मेरे जान पहचान वालों की है, सरकार है मेरे जान पहचान वालों की है, तो मैं थ्रेट में हूंगा या नहीं हूंगा? मुझे डर है क्या कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाएगी, वो घुसने ही नहीं देगा दूसरे को? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई भी एक्स पार्टी या वाई पार्टी को बिलोंग करता है तो आपकी पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है, मैं उसकी किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं जेनरिक बात बोल रहा हूं, समझे क्या कह रहा हूं? आपने कहा ठीक बात है सर, तो थ्रेट को समझना बड़ा जरूरी है कि है या नहीं है। आपने कहा कि सर ये समझना जरूरी है, मैंने कहा हाँ,
क्योंकि अगर कोई बड़ा प्लेयर यहां पे एंटर करने वाला है, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा ITC, सुना है? आशीर्वाद आटा आता है उसका, सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना? आशीर्वाद आटा नहीं देखा कभी? क्लासमेट का रजिस्टर भी आता है उसका, अब क्लासमेट का रजिस्टर तो देखा होगा यार, बड़ी अजीब चीज नहीं है? ITC, इंडियन टोबैको कंपनी, इंडियन टोबैको कंपनी बना क्या रही है? क्लासमेट के रजिस्टर, आटा होटल भी है उसके, ITC मॉर्रे वगैरह, सुना है भाई? ये क्या है? ये ना बड़े लोग कहीं भी घुस जाते हैं, जो बड़े लोग है ना उनको क्या है, ये अच्छा लग रहा है, अच्छा चलो आज से हम ये भी करेंगे, उनका क्या जा रहा है? पैसे की कोई कमी तो है नहीं उनके पास, ये कहीं भी घुस जाते हैं। तो अगर आप भी बड़े हैं प्लेयर मान के चलो इस इंडस्ट्री में, तो आप क्या करोगे? अच्छा एक बात बताओ, अपनी इंडस्ट्री में बड़े प्लेयर्स को घुसने से रोक, मान के चलो आप भी बड़े हो, आप छोटे आदमी नहीं, लेकिन आप ये तो चाहोगे यार, ये पता चला कल को ITC वाला कुर्सी बना के बेचने लग गया, लेट अस अज्यूम यू आर नीलकमल, कोई छोटी कंपनी का नाम तो नहीं लिया मैंने, नीलकमल छोटी कंपनी तो नहीं है, पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कंपनी होगी ये, जो चेयर्स की सबसे बड़ी कंपनी होगी, सही बोल रहा हूं ना? आप नीलकमल है, आपको डरा है ITC वाला नालायक कहीं इसमें ना घुस जाए, तो आप क्या करोगे बताओ? आप बताओ क्या करोगे आप? सिंपल सा क्वेश्चन, उसको घुसने से रोकने के लिए आप क्या करोगे? चलो मैं हिंट देता हूं, बताना ऐसा करोगे या नहीं। आप अपनी चेयर सस्ती रखोगे, महंगी नहीं रखोगे, क्यों? क्योंकि अगर इसमें ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी नहीं तो वो घुसेगा नहीं, बात समझे क्या कह रहा हूं? आप क्या रखोगे? अपनी चेयर्स सस्ती रखोगे कि नहीं रखोगे? सही बोल रहा हूं, गवर्नमेंट से कुछ टाई अप करवाओगे कि यार लाइसेंसिंग सिस्टम चालू कराओगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाओगे भाई, बिजनेस सबको रोटी खानी है, सबने बचा के चलना है अपने आप को या नहीं बचा के चलना, और क्या करोगे? आप कहोगे कि सर मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे इतनी बड़ी ऐसा कुछ बना देता हूं, ऐसी चेयर्स बनाता हूं जिसको लाने के लिए इनको बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाए, करोगे कि नहीं करोगे ऐसा? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? अगर गलत है तो बता दो कि नहीं सर ऐसे की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर कम इन्वेस्टमेंट होगी तो कोई भी कूद के पहुंच जाएगा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो हर कोई डरेगा, चाहे बड़ी कंपनी क्यों ना हो, कि पैसे ना डूब जाए मेरे। आप कहोगे पेटेंटेड प्रोडक्ट कुछ बनाओगे, ये भी होता है, हाँ पेटेंट, मैंने आपको समझाया था दवाइयों में, दवाइयों में पेटेंट का बहुत लफड़ा रहता है, आपको लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था जेनरिक के बारे में, देखो गवर्नमेंट जेनरिक के ऊपर लेके आई थी August 23 में, फिर उसको 15-20 दिन बाद उसे रिवोक भी करना पड़ा था, मैंने आधी चीज बताई थी उस समय, क्यों? पेटेंटेड मेडिसिन का बहुत बड़ी लॉबी होती है। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहने देंगी कि भैया तुम जेनरिक दवाई बेच लो? जेनरिक दवाई का मतलब मालूम है क्या होता है? मतलब आपने कहा सॉल्ट का नाम ना कि दवाई का नाम, डॉक्टर लिखेगा पैरासिटामोल, क्रोसिन नहीं लिखेगा, डोलो नहीं लिखेगा, अब इससे क्या होगा, आदमी सबसे सस्ती वाली वही पैरासिटामोल खरीदेगा, 6 कंपनी है तो सबसे सस्ती वाली खरीदेगा, परा कौन, फाइजर सिप्ला और ये जितनी भी है, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? और इससे क्या होगा, रेट आ जाएगा यार, और भी घुस जाएंगे इसमें, तो बड़ी कंपनियां क्या करती हैं हर जगह, ये बहुत गंदा बिजनेस है, ये मत सोचना ये शरीफ लोगों का बिजनेस है सारे, चाहे दवाई हो चाहे कोई भी हो, ये किसी को घुसने नहीं देते, पेटेंट वगैरह कराते हैं कि तुम ये मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके
ये मेडिसिन फाइन की है, आप इसको यूज नहीं कर सकते जब तक आप मेरे को पे नहीं करोगे, बना नहीं सकते आप इसको जब तक मेरे को पे नहीं करोगे। आपको क्या बताऊं, कोविड का जब भी वेरिएंट आता है वह फाइजर वाइजर के मौज लगने लग जाती है, वो एफडीए से पैसे लेती है, यहाँ के एफडीए नहीं, वहां पे एक एफडीए यूएस में, उससे वो पैसे पैसे लेती है। किस चीज के पैसे लेती है कि आप, हम अपनी रिसर्च कर ही रहे हैं, अगर आप चाहते हैं हम पहले जल्दी रिसर्च करें तो आप मेरे को एक्स्ट्रा मनी दीजिए ताकि मैं अच्छे से रिसर्च करके पहले से वैक्सीन, अब नई वैक्सीन तैयार कर सकूं, क्योंकि पुराने वाले की फोटो तो बदल गई कोविड की। म्यूटेट होने का मतलब क्या होता है, इंसान की जैसे फोटो बदलती है, कोविड है क्या, वैक्सीन है क्या? देखो वैक्सीन क्या होता है, ह्यूमन के बॉडी में कई सारे सोल्जर भेज देते हैं, उसे कहते हैं वैक्सीन। वो सोल्जर को कहते हैं, उसको हाथ में फोटो लेके भेजते हैं कि ये वाला आदमी दिखे ना, ये वाला कीड़ा दिखे, इसको गोली मार देना, समझे या नहीं समझे? तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन। अब क्या हुआ, उस आदमी ने नकाब पहन लिया या बुढ़ा हो गया, उसकी शक्ल बदल गई है, तो उसको कहते हैं म्यूटेशन। तो जब भी चेंज होती है तो क्या होता है, ये लोग बदमाशी क्या करते हैं, पैसे लाओ। तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, आपको पेटेंट करानी पड़ेंगी अपनी, कि गवर्नमेंट भी यूज करे तुमसे पैसे, तुम्हें पैसे दे, करोगे कि नहीं करोगे? तो आप कहोगे ये एंट्री बैरियर्स आप क्रिएट करोगे, और अगर आप किसी में एंटर कर रहे होगे तो ऐसे एंट्री बैरियर पहले से होंगे। अगर किसी में नहीं है तो आप घुस जाओ, अगर है तो रुक जाओ। समझ आया? अब गए हिंदाई, हिंदाई आई ना, थोड़ा सा, पूरा सा या थोड़ा सा, बस सही से नहीं समझ रहे, चलो सो जाओगे, नींद आएगी तो कैसे समझोगे? अच्छा इसीलिए थे, थोड़ा जगह है इसीलिए कि थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती रहे। अच्छा समझ में आया एंट्री के अंदर क्या है? तो यही सारी चीजें यहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं, अभी ये सारी लिखी हुई है ना यहाँ पे बहुत सारी, जब डिटेल में जाएंगे थोड़ा लिखवाऊंगा, सारी चीजें नहीं लिखवाऊंगा, थोड़ी बहुत लिखवाऊंगा। आज सिर्फ बोर होना है, आज और कुछ नहीं है, कहानियां चलनी है, और जैसे ही ये खत्म होगा ना आपकी आधी, आधा शायद थर्ड चैप्टर खत्म, सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा, आधा आधा नहीं तो 35-40% खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ इसी टॉपिक पे यही है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, चेक कर लिया ना घर जाके स्टडी मटेरियल। अब आपने कहा कि सर बायर सप्लायर राइवलरी, पहले बायर ले लेता हूं या सप्लायर ले लेता हूं, चलो वही आप किसी इंडस्ट्री में या एंटर करने वाले हैं, आपने कहा बायर ने सप्लायर कॉन्सेंट्रेट हो रखे, कॉन्सेंट्रेट मतलब, कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है इकट्ठा, से एकाग्रता होती है ना, कॉन्सेंट्रेट करके बैठो, एकाग्र होके बैठो, मतलब एक होके बैठे हुए हैं। अरे ये बड़े बदमाश हैं, मोनोपोली करने के लिए एक ही रेट लेके बैठ, एक ही जगह बैठ गए, एक साथ हो गए, और तुम्हारे बिखरे हुए हैं, तुम्हारी इंडस्ट्री में जितने प्लेयर बिखरे हुए हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, अब मजबूरी है तुम्हारी, खरीदना होनी से पड़ेगा। आपने कहा ऐसा कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता ऐसे। अच्छा एक बात सोचो, हमने कई बार ये न्यूज सुनी है कि पायलट फ्लाइट उड़ाने से, पायलट फ्लाइट में आया, उड़ाई नहीं, घर चला गया क्योंकि उसका छुट्टी का टाइम हो गया था, नहीं सुनी? सुनी है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, नेता बैठा हो अभिनेता बैठा हो, इट डजेंट मैटर, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, पायलट आया इंडिया के अंदर फ्लाइट उड़ाने से, अभी देखो तुम्हें दिखाता हूं, मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे ना,
जैसे 23 जुलाई 2023 की है न्यूज, अब वो खूब मिलेंगी है। फ्लाइट कैंसल्ड आफ्टर पायलट रिफ्यूजेस टू टेक ऑफ। बताओ फ्लाइट ही कैंसल, आप बैठे हुए हो इतनी देर से फ्लाइट के अंदर की उड़ेगी उड़ेगी उड़ेगी, उसने कहा कि मैं नहीं उड़ा रहा, अब आप क्या करोगे? तुम्हारे सामने न्यूज है, मैं झूठ बोल रहा हूं तो चलो एक है, अब ये जुलाई की थी, ये लो जून की ले लो। तो ये 26 जून की दिख रही है ना, ये लो एयर इंडिया पायलट्स refuses to fly their plane or to fly their destination as their duty hours are वहां के दिखा लो। तो पायलट है कम, सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं यूनियन के नाम से, पायलट्स है कम, सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं किस नाम से, यूनियन। प्लेन बेचारे क्या करें, प्लेन कंपनी क्या करें, वैसे में क्या होगा, वो जो डिमांड करेंगे तुम्हें मानना पड़ेगा। अब वो जानबूझ के इंजेन्युइन नहीं करते, जेन्युइन को इंजेन्युइन को जेन्युइन दिखा के करते हैं बदमाशी, ताकि प्लेन जो ऑपरेटिंग फ्लाइट्स हैं और जो भी क्या कहते हैं कंपनीज हैं वो प्रेशर में है। समझे क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप ये कहोगे कि सर ये सप्लायर ना, यहां पे सप्लायर एम्प्लॉई है, यहां पे सप्लायर कौन है, एम्प्लॉई होगा, ये घट्टे हुए पड़े एक तरीके से, तुम्हारी तो ऐसे तैसे बता दी उसने, मान के चलो तुम टाटा हो एयर इंडिया तुम्हारी है, तुम्हारी तो ऐसी तैसी बच गई कि नहीं बच गई, मैंने सोचा था प्लेन उड़ेगा, टाटा साहब खुद भी अंदर बैठे हो तो भी बैठे रह जाएंगे, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, ये बात पंगा है। तो आपने कहा कि यार इसका मतलब आपकी बार्गेनिंग पावर बहुत मैटर करती है, जिन सप्लायर्स के साथ आप डील कर रहे हो, चाहे आप उस इंडस्ट्री में हो या एंटर करने वाले हो, दोनों सिचुएशंस के लिए बोल रहा हूं, हर चीज में अगर आप उसमें हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कब रिड्यूस हो जाएगी, कब हो जाएगी, अगर आप उस इंडस्ट्री में हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कब रिड्यूस हो जाएगी, जब सप्लायर कॉन्सेंट्रेटेड हो, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी हो, सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा, इनपुट सिर्फ उसी के पास मिलता हो, किसी के पास मिलता ही ना हो, अगर क्योंकि इनपुट कईयों के पास मिल रहे तो कोई बात ही नहीं है। अब वो पता है कई इंडस्ट्रीज को तो मजबूरन कई फैक्ट्रीज को सप्लायर की लोकेशन पे शिफ्ट होना पड़ता है कि नियर बाय सप्लायर यहां पे है, समझे? आपने कहा अच्छा, आपने कहा कि यार अगर अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड करती हो तो भी, आपने कहा अच्छा एक बात सोचो, इस लाइन को भी समझाऊंगा प्रॉफिटेबिलिटी वाली पे डिटेल में जाऊंगा, अभी दोनों में समझाना है बायर और सप्लायर। आपने कहा कि सर एक होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब हमने शायद या तो आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना सम करना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है समिशन, इसलिए उसका सिंबल ऐसा होता है एस लंबा वाला एस, समिशन के लिए था ना, एक्चुअली छोटा एस बनाया वो स्टैंडर्ड डेविएशन ने खा लिया था, पकड़ लिया था, तो उन्हें मजबूरन क्या करना पड़ा, लंबा एस कर दिया था, ये लो जी लंबा एस हो गया इंटीग्रेशन। तो आपने कहा कि सर सप्लायर अगर ये सोचो, अच्छा एक बात सोचो ठंडे दिमाग से सोचा, आप सब मैं हम सब एक साथ हैं, हम सब ने एक मान के चलो बहुत बड़े वो खोले आउटलेट जिसका नाम है हल्दीराम, छोटा तो नहीं है हल्दीराम्स, हम सब ने मिलके हल्दीराम्स खोला है और हम ओनर है हल्दीराम्स, हम अपना मिठाई बना के बेच रहे हैं, मिठाई बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पनीर चाहिए, कई पनीर की भी चीजें होती है ना, पता है नहीं पता पता है नहीं पता पनीर वगैरह की,
आप सप्लायर से खरीद रहे थे। अब एक होता है सप्लायर, एक होता है बायर, जो बेच रहा है वो सप्लायर, जो खरीद रहा है वो बायर। हम है फर्म, हम कौन है बीच में फर्म। हमारे बाद आता है बायर, जो हमसे खरीद रहा है, जो हमें सप्लाई कर रहा है उसको क्या कहते हैं सप्लायर। हमने सोचा यार हम हल्दीराम है, ए, इसकी क्या सुननी, पनीर भी खुद ही बना लेंगे जब इतनी बड़ी हम फैक्ट्री खोले बैठे हैं। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर लिया एक डिवीजन अपने अंडर। हमने क्या किया, एक डिवीजन मतलब हम एक स्टेप पीछे चले गए कि नहीं चले गए, इसलिए हमने इसको बोला बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये सारी छोटी छोटी टर्म्स आपको आगे दिखेंगी, इसको क्या बोला हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन। चैप्टर में ना बाकी चैप्टर जो है बचा हुआ चैप्टर टू में यही टर्म्स है, उनको समझा रखा है और कुछ नहीं है। मैंने जैसे लास्ट क्लास में आपको कंज्यूमर और कस्टमर का डिफरेंस बताया था ना, या नहीं बताया, कुत्ते उत्ते का एग्जांपल लिया था, याद आ गया ना बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अच्छा एक बात सोचो, मान लो बैकवर्ड इंटीग्रेशन सबको क्लियर है, मान लो एक कंपनी है और वो क्या करती है, वो शीशे बनाती है, शीशे कोई स्पेशल चीज तो नहीं। उसने सोचा शीशे तो बना ही रही, जैसे आपने सुना है मीरो, हीरो है ना, हीरो कंपनी साइकिल बनाती थी, साइकिल वगैरह बनाती थी, उसने अब बाइक बनानी शुरू कर दी। फिर वो बाइक भी बनाती थी, साइकिल भी बनाती थी, और उसने इलेक्ट्रिक बाइक भी बनानी शुरू कर दी। तो कई बार कोई लोग कई अलग अलग उस पर एंटर कर जाते हैं। तो आपका काम था शीशे बनाने का, आपने पता क्या किया, आपने शीशे के साथ साथ मान के चलो सोचा कार ही बना देते हैं, चार शीशे लगते हैं ना, चार पांच जो छह शीशे लगते हैं, तो एक आगे एक पीछे चार इधर, आपने सोचा कार भी बना दूंगा, जब शीशे बना के कार वाले को बेच रहा हूं तो कार ही बना दूंगा। जैसे एक बात सोचो, मारुति वाला शीशे बनाने बैठेगा तो उसे कहेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मारुति का तो काम है कार बनाना, लेकिन अगर उसने शीशे बनाने शुरू कर दिए तो उसको क्या कहेंगे बैकवर्ड। आप है सेंट गोबियन जो शीशे बनाता है, उसने अगर कार बनानी शुरू कर दी तो क्या कहेगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया या नहीं हो गया, समझ में आया पक्का सच्ची। बैकवर्ड मतलब पीछे, सप्लायर का काम खा गए, फॉरवर्ड मतलब आपने कहा हम किसका काम खा गए, किसका आगे वाले। और इसको कहते हैं हम वर्टिकल इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं वर्टिकल, उसे कहूंगा क्यों, मतलब दोनों को मिला के वर्टिकल इंटीग्रेशन, वो बाद में सीखेंगे। आपने कहा कि सर अगर एक इंडस्ट्री में थ्रेट है किस चीज का, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का, सप्लायर से मेरे को डर है यार ये बंदा आगे का काम ना पकड़ ले, तो तुम अगर उस इंडस्ट्री में हो तो तुम चुपचाप उसकी सारी बात माना करोगे कि नहीं माना करोगे, माना करोगे कि नहीं माना करोगे, नहीं तो तुम्हें क्या डर है, तुम्हें डर है वो तुम्हारा काम ना छीन ले। और आपने कहा कि सर इसके साथ ही एक होता है, आपने कहा कि यार उसका उसका डर है, तो अगर उसका डर नहीं है और आपके पास पावर है तो आप पावरफुल हो जाओगे। आपने कहा कि सर हमें यह समझना है सप्लायर के पास कब पावर आती है और बायर के पास कब आती है। अगर सप्लायर हमें डरा रहा है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी इंडस्ट्री की, और अगर हम सप्लायर को डरा रहे हैं तो क्या होगा, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको मानना पड़ेगा सारी बातों को, मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा। तो आपने कहा अच्छा ये बात है, अब यही चीज किसमें लगती है, बायर में। उल्टा है, बायर और सप्लायर
मैंने आपको सारे नहीं सिखाए पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स लेकिन इसमें सिखा दिए बीच बीच में। बायर में क्या है, बायर भी ऐसे ही सोच रहा है, घबराया पड़ा है। अगर अब देखो बायर उल्टा है, मैं किसको माल बेचता हूं, बायर को। बायर जरूरी नहीं है कंज्यूमर हो, कस्टमर हो। आपने कहा बायर वो भी हो सकता है जो इंडस्ट्रियल बायर है, जरूरी नहीं कंज्यूमर बना के बेच रहा हूं। तो आपने कहा अगर मैं बायर को माल बेच रहा हूं तो बायर क्या कहेगा, बायर कहेगा यार मुझे डर है ये मेरा काम ना खींच ले, ये फॉरवर्ड इंटीग्रेट ना कर दे। अगर इसने फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर दिया तो मेरी रोटी कैसे चलेंगी, तो अब प्रॉफिटेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, फर्म की या बायर की, फर्म मतलब हमारी। और अगर हमें यह डर है कि यार वो बैकवर्ड इंटीग्रेट ना कर ले, और प्रॉफिटेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, समझे, बायर की ना कि हमारी। क्यों, हमें डर है यार ये पीछे वाला काम चालू कर दिया मेरी रोटी पे आ जाएगा, समझे या नहीं। आपने कहा कि अच्छा एक बात सोचो सर, आपने कहा कि सर आपने अभी सिखाया था जैसे सप्लायर कॉन्सेंट्रेशन सिखाया था या नहीं सिखाया था, एग्जाम्पल क्या लिया था, एयरलाइंस का पायलट का लिया था सप्लायर कॉन्सेंट्रेशन, या लिखा नहीं, ये रहा। वैसे बायर का भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। मान लो मैं जो माल बनाता हूं वो एक दो ही बायर खरीदते पूरे कंट्री में, मैं जिस भी इंडस्ट्री में हूं। आपने कहा सर एक दो ही हैं, तो उससे क्या होगा, अगर एक दो ही हैं और है ही नहीं तो आप क्या कहोगे, आप तब जाओगे कि चलेगी किसकी, चलेगी किसकी, बायर की चलेगी। कॉन्सेंट्रेट कौन है, बायर, और अगर फर्म कॉन्सेंट्रेटेड है तो चलेगी किसकी, फर्म की, मतलब फर्म हमारे पास एक दो ही हम बन गए उसके सप्लायर, तो हमारी चलेगी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है। तो हमारा मुद्दा यह है कि यार प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें यह सब देखना पड़ेगा, बायर के लिए भी देखनी पड़ेगी बार्गेनिंग पावर वगैरह बायर की कैसी है। लास्ट, अभी मैंने सारे पॉइंट्स कवर नहीं किए और ना आपको सारे पॉइंट्स कवर करने, क्यों, ये माइकल पॉटर साहब ने तो इतनी सारी चीजें लिख दी थी, आईसीए के स्टडी मटेरियल में बहुत सारी खा गया उसने, तो इतने इतने से बना दिया आंसर, अभी दिखाऊंगा इतना सा खत्म, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। आपने, क्योंकि कोई भी पॉइंट याद आ जाए लिखा, तो आपने कहा जैसे मैं आपको दिखाई देता हूं आईसीए का भी स्टडी मटेरियल में चैप्टर टू जब आप खोलेंगे, ये है देखो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट आधे पेज का, इसमें थोड़ा ज्यादा कवर किया पेज इन्होंने राइवलरी का, बार्गेनिंग पावर सप्लाई इतना सा कर दिया बस, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर भी जरा सा कर दिया कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कराऊंगा, लेकिन आपको मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप आईसीए के स्टडी मटेरियल को बेस बनाओ, समझो सारे, क्योंकि पेपर में कोई और पॉइंट याद आ गया वो लिखा ना, कोई रोक थोड़ी देगा, मना थोड़ी कर देगा, कैसे लिख दिया तुमने, सही बात, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं, माइकल पॉटर साहब ने क्या बोला था, लास्ट चीज थी इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी। राइवलरी मतलब क्या होता है, राइवल मतलब कौन होता है, जो पहले से काम कर रहे हैं उसके अंदर बैठे हुए लोग। आपने कहा ये क्या मतलब हुआ, आपको पता है राइवलरी ना बहुत मजेदार चीज है, इससे क्या होता है, आप मान लो अगर आपके बीच में राइवलरी बहुत ज्यादा है, जो प्लेयर्स हैं मार्केट प्लेयर्स, बड़े बड़ों की बात कर रहा हूं, छोटे तो छोड़ ही नहीं, इंडस्ट्री में उनके बीच में बहुत राइवलरी है, तो उससे क्या होगा, दो बिल्लियों की लड़ाई में क्या होता है, बंदर की लड़ाई हुई थी बिल्ली की, बंदर की लड़ाई में बिल्ली रोटी खा गई थी, ने कहावत भी नहीं सुनी, नालायक हूं बाढ़ में जाओ, है बिल्ली में बंदर था या बंदर में बिल्ली थी,
हार आया था, दो में लड़ाई थी, तीसरा गया था फायदा। तो आपको राइवलरी बड़ी अच्छे से समझनी पड़ेगी दोस्तों। राइवलरी को समझिए कि आखिरकार इससे इंपैक्ट क्या हो सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, राइवलरी से, चलो मैं एक वीडियो एक बार मैंने स्टूडेंट्स को दिखाया था, तुम्हें भी दिखाता हूँ, एक मिनट लगेगा, मजेदार वीडियो है, दो चार वीडियो दिखाता हूँ तब तक तुम्हारा मन लगेगा। है ये देखो, YouTube पे आए, पहला वीडियो होगा एक पेप्सी और कोक के बीच में लड़ाई दिखाऊंगा, ठीक है। चलो पहले पेप्सी और कोक की दिखाता हूँ, पेप्सी वर्सेस कोक एड। ये देखो, बहुत जबरदस्त ऐड आते हैं कभी इनकी लड़ाइयों के, ऐड देखना, कोक वालों के रिप्लाई जाते हैं इसके बाद, फिर पेप्सी की लड़ाई जाते हैं, खूब लड़ाइयां होती हैं इनके, ऐड देखने बैठोगे ना। ये तो मैंने, चलो टॉपिक से हट के मैंने कहा चलो थोड़ा मूड रिफ्रेश हो जाए। एक मैंने एक बार दिखाया था मर्सिडीज वर्सेस जैगुआर, चलो देखते हैं मर्सिडीज वर्सेस जैगुआर था, किसका था, ये देखना, बहुत मजेदार है, ठीक है। See, it's just like a Mercedes. Huh? ये तो तुम्हारा मूड रिफ्रेश करने के लिए वीडियो दिखाया, लेकिन पॉइंट क्या था, राइवलरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक इंडस्ट्री के अंदर। अगर इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा राइवलरी है तो प्रॉफिटेबिलिटी होगी नहीं,
बड़े प्लेयर लड़ पड़े तो कमाएगा कोई कैसे? आपको क्या लगा ये जियो जब इसने मार्केट पूरा खराब किया तो कोई कमा पाया? समझे यार क्या कहना चाह रहा हूं? अल्टीमेटली राइवलरी जो होती है ना, आपको गॉच करना है कि किस इंडस्ट्री में है और किस में नहीं। जिसमें राइवलरी कम है आप उसमें एंटर करोगे तो आपकी भी कंपनी कमाएगी, आपकी फर्म भी कमाएगी और इंडस्ट्री भी कमाएगी। और जिसमें राइवलरी ज्यादा है उसमें आप एंटर करोगे तो आप कभी कुछ कमाओगे नहीं, ना आप कमाओगे ना दूसरा कोई कमाएगा। समझे? तो आप कहोगे अच्छा इसको बचाने का तरीका क्या है? इसको बचाने का सबसे आसान तरीका होता है पेटेंटिंग या फिर स्विचिंग कॉस्ट बढ़ा दो कि यार इस उससे दूसरे पे स्विच करने की कॉस्ट बहुत हाई। अपने का स्विच करने की कॉस्ट हाई क्या मतलब हुआ मैं समझा नहीं। अच्छा एक बात सोचो, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो जैसे मेरे खुद की कंपनी थी, मैंने 2017 में एक ऐप बनवाई थी स्टडी बाय टेक्स। अब हुआ क्या, उसके लिए मैंने AWS से कांटेक्ट किया। उस समय मैंने कांटेक्ट किया, मैं उस समय सिंगापुर में था 16 में, तो वहां पे मेरे पास गूगल वाले आए, मेरी बात हुई अच्छे से, AWS वालों से बात हुई, अलीबाबा का था उनसे बात हुई, काफी लोगों से बात हुई। सर्वर चाहिए होता था, आज तो बहुत आसान है कि यूट्यूब का लिंक भी डल जाता है, सब कुछ डल जाता है ऐप में, बहुत सस्ते सस्ते ऐप बनती है। उस समय 1-2 करोड़ आराम से लग जाता था ऐप में, तरीके की ऐप अगर आप तरीके की बनाओगे तो लग जाएगा। तो ये लोग आए, तो अलीबाबा वाला सबसे चीप दे रहा था, चाइना में सर्वर था। सर्वर मतलब मेरे को वीडियो जो थी उस समय ऐसा नहीं था मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँ और यूट्यूब के लिंक इस पे लगा दूँ, लगा दूंगा तो लीक हो जाती थी, बहुत मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट। मतलब यूट्यूब से आज भी आराम से कोई भी डाउनलोड कर लेता है, गलत तो नहीं बोल रहा, 50 ऐप है। अगर आपको सिक्योर करना है तो आपको DRM वगैरह लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें थी, मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा। तो उस समय Amazon ने AWS लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले, Amazon वेब सर्विसेस। उनका सर्वर उस समय, सर्वर मतलब होता है उनका कंप्यूटर उस समय कहां पे था, सिंगापुर था, इंडिया में नहीं था। मेरी बहुत बातचीत हुई सबसे, कोइंसिडेंटली उनकी काफी अच्छी पोस्ट पे, AWS की काफी अच्छी पोस्ट पे मेरा एक फ्रेंड था राहुल, तो मैंने AWS ले लिया। उस दिन बाद AWS ने इंडिया में सर्वर बना लिया और मुंबई के पास, पुणे मुंबई के बीच में सर्वर बना लिया, और यहां से मेरे को सारी चीजें मेरी यहां से ऑपरेट होने लगी वीडियोस। फिर मैंने बहुत सारे ऐप में इंप्रूवमेंट कराए, सही हो गए, वो तो बात की बात है। लेकिन फिर आया कोविड का टाइम, और कोविड के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने चाइनीज जितने भी सर्वर्स थे सबको बैन कर दिया, इंक्लूडिंग अलीबाबा। आपको पता है आज की डेट में भी अगर मैं अपनी ऐप को स्विच करने की सोचूं, या तो एकदम सस्ती वाली बनवा लूं, फिर से बहुत सस्ती सी बनती है, क्लास प्लस वगैरह बहुत रद्दी ऐप पड़ी हुई है, कोई बर्थ नहीं होती, 2 पाड़ी की ऐप होती है, तो आज भी इतना आसान नहीं है कि मैं स्विच कर जाऊं, बहुत हैवी कॉस्ट। एक तरीके से कहते हैं ना फंस जाना, अगर मैं अलीबाबा पे होता तो मेरा क्या हुआ होता? गवर्नमेंट ने तो अचानक क्या कहा था, याद है सबको या नहीं याद? टिकटॉक बैन, सारे चाइनीज ये बैन, वो बैन, अलीबाबा बैन, ये सब बैन। मैं तो कहीं का नहीं रहता, मेरे को सबसे चीप दे रहा था वो सर्वर, बस ये था उसका सर्वर, इंडिया में नहीं था, चाइना में था। मैंने नापा भी कि दिल्ली से किधर पड़ेगा, पास में ही था, इधर से सिंगापुर थोड़ा दूर पड़ रहा था, लेकिन मेरा दोस्त था, क्योंकि मेरा दोस्त उसमें था, उसने कहा मैं तेरे को सर्विस बेटर करा दूंगा, तो चिंता मत कर, मैंने उसमें करा दिया। तो अगर आपकी स्विचिंग कॉस्ट आसान, ऐसा नहीं कि इस पेन की जगह ये पेन यूज कर लिया काम चल जाएगा। अब जैसे पेन की बात है, ये पेन है, ये पेन है, आप गूगल गूगल करके देखना है, लेनोवो का एक्टिव पेन 5000 का पेन पेन है, 5000 का पेन पेन है। आप कहोगे कि सर 5000 का, हाँ ये वो पेन नहीं है,
ये स्टाइलस होता है एक्चुअली, दिस इज नॉट पेन, रियल नेम इज स्टाइलस। तो मेरा कहना ये है कि आप स्विचिंग कॉस्ट से पहले डर रहे हो ना, डर रहे हैं नहीं? तो अगर स्विचिंग कॉस्ट हाई है तो बढ़िया है, तो इनकम है उस इंडस्ट्री में, और स्विचिंग कॉस्ट नहीं है फिर लड़ाई होगी असली, मुर्गा फाइट। क्यों मुर्गा फाइट होगी? मुर्गा फाइट क्यों होगी? राइवलरी अच्छी खासी है और स्विचिंग कॉस्ट है नहीं, फिर क्या होगा? फिर बॉबी टिक्की वाले पे खाओ या बिट्टू टिक्की वाले पे या असली बीटीडब्ल्यू पे खाओ। असली तो बीटीडब्ल्यू था ना, बिट्टू टिक्की वाला नाम था, फिर सब सेम ही लगेंगे। आज समझे क्या कह रहा हूं? अच्छा एक बात बताओ, मान लो आप के पास एक कार है जो कि पेट्रोल कार है, आपने देखा आजकल ईवी बड़े सस्ते में चलती है, आपने कहा मैं अगर इसे ईवी में कन्वर्ट कराता हूं तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो क्या आप कन्वर्ट कराओगे? और कॉस्ट कम है तो क्या कराओगे? यही पॉइंट, अगर एक डेवलपर से दूसरे डेवलपर पर जाने में मेरे को कॉस्ट नहीं लग रही तो मैं तुरंत उछल के पहुंच जाऊंगा भाड़ में, जाते बात समझे क्या कह रहा हूं? है या नहीं? एक एग्जांपल जो कि पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है और पूरी तरह टॉपिक से भी रिलेटेड नहीं है, आज आपको सिम चेंज करना है, आपको वोडाफोन मतलब वीआई जो भी है नाम इसका वीआई, उससे एयरटेल पे जाना है या एयरटेल से जियो पे जाना है? इन तो तीन ही, बीएसएनएल है लेकिन मैं इन तीन को लेके चला, कितनी देर लगती है? मैक्सिमम 15 मिनट, पोर्टिंग पता है या नहीं पता? मैक्सिमम कितने है? 15-20 मिनट। और कॉस्ट कितनी है? 300-400 मैक्सिमम। आप थोड़ा पहुंच जाए 20-25 साल पहले, आपको पता 20 साल पहले क्या होता था? 20 साल पहले की मेरे को, 25 साल पहले की मेरे को अच्छे से याद है, मेरे घर में टेलीफोन था एमटीएनएल का, वो खराब हो गया, वो महाराज को बुलाया, एक हफ्ते बाद वो लाइन में निकल के आया, 1 वीक लेटर, एक हफ्ते तक हम बिना फोन के बैठे हैं, हाथ जोड़ रहे रोज ऑफिसर के पास जा जाके, एक हफ्ते बाद निकल के आया। उससे मैंने सही कराया, उस टाइम पे मैंने उसको 50 रुपीज दिए, बिना रिश्वत के नहीं करते थे, आपको मैं क्लियर बता दूं, ये गलत फहमी अगर आपको है ना, इतने ईमानदार थे हमारे देश के, वो छोड़ दो, दे यूज टू चार्ज यू, जबकि उनको मिलता था गवर्नमेंट से, ये पैसे लिए जमीन पे यूं फेंके, भिखारी समझ रखा है क्या? ये लाइन उसने मेरे से बोली, समझ रहे हो क्यों बोली? बिकॉज स्विचिंग कॉस्ट वॉज वेरी हाई, आपके पास ऑप्शन ही क्या था? सैटेलाइट फोन, उसके बाद आपके पास ऑप्शन ही क्या था? सैटेलाइट फोन, और ऑप्शन क्या था दूसरा? एयरटेल वेटेल मोबाइल तो थे नहीं, 98 में तो आए मोबाइल, सही बताओ 20-25 साल पहले की ये कहानी है, यही था बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे पैसे लगे उसने। और मोबाइल में भी क्या होता था, इनकमिंग इतनी महंगी थी उस समय, 16 रुपए पर मिनट मोबाइल में इनकमिंग थी, 32 रुपए पर मिनट आउटगोइंग थी। गलती से मान के चलो आपने फोन उठाया और पता चला उसका था कस्टमर केयर वाली लेडी का, तुम गाली बकते हुए निकलते थे, सच्ची बात है, स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई थे, आज स्विचिंग कॉस्ट कुछ है नहीं, समझ आ गई? तो आप कहोगे सर राइवलरी इस पे डिपेंड कर, राइवलरी अगर हाई है और स्विचिंग कॉस्ट हाई है तो आपका बिजनेस चौपट होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा अगर एक बात सोचो, डाइवर्सिटी ऑफ कॉम्पिटिटर है, इसका मीनिंग बता देता हूं, मतलब
ये चेन्नई की है और ये पंजाब की, दोनों बिजनेस सामने सामने खोल के बैठी हुई है एक्स वाई जेड काम का, ना इनको इनकी स्ट्रेटेजी समझ में आती ना इनको इनकी, सही है या नहीं है? ये चेन्नई से बिलोंग करती है प्रॉपर चेन्नई वाली, और ये प्रॉपर पंजाबन है, मुझे नहीं मालूम दोनों कहाँ की हैं, लेकिन मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं। अब क्या है, ये घबराएंगी इससे और ये घबराएंगी इससे, ये पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी बना रही है, क्योंकि स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही। उस चक्कर में क्या होगा, उस चक्कर में जब ये घबराएंगी तो ये ऐसे स्टेप लेंगी कि प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप कम हो, जैसे प्राइस कम करना, समझे या नहीं समझे? तो राइवलरी में ये डाइवर्सिटी भी बड़ा इंपैक्ट डालती है। आपने कहा राइवलरी में एग्जिट बैरियर भी इंपैक्ट डालता है, वो कैसे है? यार मेरे को ये काम नहीं करना एक्स काम, आपने कहा ये काम करना है या नहीं करना हमारे ऊपर नहीं है, काम करना है या नहीं करना तुम्हारे ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है भाई तुम्हारे ऊपर? क्योंकि तुम्हारे को लाइसेंस मिला था 25 साल का, तुम्हें अब करना ही पड़ेगा, छोड़ के जा नहीं सकते, तुमने उस समय कमिटमेंट किया था, यू आर बाउंड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, या फिर तुम्हारी फिक्स कॉस्ट इतनी ज्यादा लगी पड़ी है तुम छोड़ना भी चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते। अब तुम उसको रिकवर करने के लिए क्या करोगे? आप सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट चार्ज किया करोगे, रेलेवेंट कॉस्ट मतलब सिर्फ ऐसे पैसे जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं। मैं इसके बारे में आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में सिखाऊंगा और अगली क्लास में भी सिखाऊंगा क्या होता है ये रेलेवेंट कॉस्ट, मैं डिटेल में समझाऊंगा। जैसे मान लो आपको यहां से गुड्स भेजने, एक ऑर्डर आया स्पेशल ऑर्डर अमेरिका गुड्स भेजने हैं, मैंने पहली क्लास में सिखाया था थोड़ा बहुत, फर्स्ट क्लास देखना किसकी कॉस्टिंग की। मैंने कहा अमेरिका गुड्स भेजने हैं, रेंट लगी रहा है, बनाने की कॉस्ट लग रही है 20 रुपए, तो 21 रुपए अगर मिलेंगे तो क्या चले जाओगे भेज दोगे? आप कहोगे हाँ, क्यों? फिक्स कॉस्ट मेरी बहुत हाई लगी पड़ी है, मैं छोड़ के जा नहीं सकता, मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी है, तो चुपचाप यहां पे सस्ते में भेज दो। अरे तुमने तो सस्ते में भेज दिया, राइवलरी कितनी चालू होगी इस चक्कर में, बात समझे या नहीं समझे? तुम पे खाली कैपेसिटी पड़ी, तुमने कहा सस्ते में भेज दो, तुम्हारी फिक्स कॉस्ट लगी रही थी, तुमने कहा 1 रुपया भी कमा रहा हूं तो कमा ही रहा हूं भेज दो। अरे उस चक्कर में देखा रेवेन्यू का क्या हाल है, वो पॉइंट। तो ये 5 पॉइंट है जिसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में और पढ़ेंगे, आज ब्रीफ दिया है और कल हम इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, आज के लिए टाटा बाय बाय।